शिप बेस हमने बनाना है। शिप बेस जो हमारे बेस होता है, ये इसके बाद ये क्वेश्चन अभी साधर ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये जब हमने इसका TLC परफॉर्म किया तो हमारे पास जो बेस्ट रिजल्ट है मैथेनॉल डाइक्लोरोमीथेन और हेक्सेन के साथ है, उसकी RF जो वैल्यू थी हमारे पास 0.71 बेस्ट रेजोल्यूशन के साथ। अब इस प्रोडक्ट को TLC जब ड्यूरिंग एनालिसिस जब हमारी मिक्सिंग चल रही होती है, हम उस वक्त रिएक्शन के दौरान देखें, 2 घंटे के बाद देखें प्रोडक्ट बन गया कि नहीं। अगर तमाम प्रोडक्ट्स बन गई हैं तो हम उसको रिएक्शन को उतार लेते हैं, हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, जो सॉल्वेंट एक्स्ट्रा होता है उसको रिमूव कर देते हैं, हम उसे कहते हैं प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन तो वैसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी से करनी चाहिए, मगर एक हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम उसके स्मॉल पोर्शन को उसकी सॉल्विबिलिटी चेक कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्वेंट है एथेनॉल, मैथेनॉल, DCM, इथाइल एसीटेट है और उस क्लोरोफॉर्म है, हेक्सेन है। अब इसमें हमने देखा कि आइसोनाइजाइड की सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल है, इसमें एथेनॉल में है, मैथेनॉल में, बाकी जितने सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। हमारा जो LDH वैनिलीन है वो सॉल्युबल है तमाम में एक्सेप्ट हेक्सेन की, और हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसकी सॉल्युबिलिटी मैथेनॉल एथेनॉल बाकी तमाम में सॉल्युबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से एक को नेगेट करते हैं, इसमें इन सॉल्युबल है। DCM में हमारे पास आइसोनाइजाइड जो है इन सॉल्युबल है, ये वैनिलिन हमारा सॉल्युबल है और हमारा प्रोडक्ट में इन सॉल्युबल है। ये ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो गया जी। अब हमने जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्रिस्टलाइज होने के बाद जो हमें मिली, ये प्रोडक्ट हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है, अब ये हमारी ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हमने डिजॉल्व कर दिया टोटल DCM के अंदर। अगर अनरिएक्टेड इसके अंदर इसके अंदर आइसोनाइजाइड होगा, अनरिएक्टेड अगर इसके अंदर क्या होगा आइसोनाइजाइड होगा, इनसॉल्युबल होगा। जो वैनिलिन है वो सॉल्युबल है, हमारा प्रोडक्ट भी इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल होने के बाद हमने इसको फिल्टर कर लिया, जो सॉल्युबल है वैनिलिन वो फिल्ट्रेट में चला गया, हमारे जो रेजिड्यू ऊपर बचा उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट होगा, अगर कोई इम्प्योरिटी आइसोनाइजाइड की होगी तो वो होगी। फिर दोबारा हमने इसकी दोबारा TLC ताकि उसको देखने के लिए क्रॉस चेक करना। जब हमने TLC परफॉर्म की ये हमारे पास रिजल्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट का स्पॉट है, ये वैनिलिन का है, ये हमारे पास क्या है आइसोनाइजाइड। अगर आइसोनाइजाइड इन सॉल्युबल था DCM के अंदर जो हमने प्रोडक्ट प्योरीफाई की, उसका TLC भी यकीन है यहाँ पर स्पॉट आता, मगर यहाँ पर स्पॉट नहीं है। उस पर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेजिड्यू था उसके अंदर बिल्कुल ना ये है और ना हमारे पास ये, क्योंकि ये DCM के साथ ट्रीट होने के बाद इसको पहले से हमने रिमूव कर। अब जब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है ये इस प्रोसीजर से, फिर हमने इसका RF वैल्यू इस सॉल्वेंट के साथ, ये रेशियो थी बेस्ट रेजोल्यूशन का RF, ये वैल्यू आई है, ये उसकी रेशियो थी हमारे पास। अब हमने इस प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट लेना है, जो लैम्डा मैक्स निकालना है, IR से शोर करना है, उसके बाद हमने इसका NMR करना है ताकि हमें स्ट्रक्चर का पता चलेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्ट बन गया है, इसका मोलर मास पता चलेगा, और उसके बाद फिर हम अगला जो है वो मास स्पेक्ट्रा लेंगे, वो इसको फर्दर शोर कर देगा। अगर हमारे पास क्रिस्टल होगा तो हम उसका XRD करेंगे, अगर हमारे पास क्रिस्टल वैसे पाउडर का भी XRD हो सकता है। दूसरी बात यह कि हम इसका एलिमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं ताकि हमें उससे भी पता चल जाता है कि हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर। तो ये थे आज जो हमारी प्रोडक्ट। अब ये जो ये ड्रग है, ये TB का ड्रग है, ये आम एडशिप बेस बना है। इस ड्रग को हम किसी दूसरे जो कॉन्जुगेट हमारे पास बना है, इसको हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देखना चाहते हैं अल्फा माइलेज, देखना चाहते हैं अल्फा माइलेज या हम देखना चाहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज, या हम देखना चाहते हैं यूरिएज, हम इनके अगेंस्ट इनको ट्राई करना चाहते हैं। यानी ड्रग का पहला पर्पज़ था माइक्रोबैक्टीरिया एंटीबैक्टीरिया, मगर अब जो कॉन्जुगेट बना है हम उसको देखना चाहते हैं इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास ये एक्टिव फार्माकोफोर में आते हैं, ये ग्रुप्स इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, तो वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं एट दिस पर्पज़। तो ये आज की स्टोरी। अब इन्होंने तकरीबन को 20 के करीब ये मालिक मिस कर ये ड्रग की जो होती है कंपनी को से वो तो अब माइक्रोबैक्टीरिया था ना, हम उसका रीपर्पज़ कर
वो आपको डिफाइंड होता है कि इसका क्या पर्पज है वो हमें पहले जब मतलब हम इस बेस पे चल रहे हैं ना, ये हाइड्रा जोन है, ये शेप बेस है, ये एक्टो फार्माकोपोर होता है, डिफरेंट ड्रग का,